नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज बात करेंगे कि जगन्नाथ महतो जो पहली बैठक करेंगे कल कैबिनेट की, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, उसमें पहला मुद्दा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या पेंडिंग रिजल्ट आएगा और क्या 8 अगस्त के आंदोलन के पहले सरकार कुछ रिजल्ट ले आएगी। इसके साथ जेटेट विद्यार्थियों का भी एक कैंपेन शुरू हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो तमाम मुद्दे हमारे साथ होंगे, लेकिन जो लोग हमारे साथ सीधा बात करना चाहते हैं वो रात को 8 से 9 बजे के बीच सीधी बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। झारखंड में इन दिनों नौकरी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, और यही कारण है कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के समय बेरोजगार युवक वहां पहुंचकर उन्होंने भी जमकर नारेबाजी किया, यानी कि कांग्रेस एक और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, लेकिन बेरोजगार युवक वर्तमान झारखंड के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। अफरा तफरी की स्थिति हो गई और अब यही लग रहा है कि झारखंड में जेएमएम का या फिर कांग्रेस का कहीं भी कोई आंदोलन होगा तो वहां पर बेरोजगार युवक जरूर पूछेंगे कि आप हमें जो 5 लाख रोजगार देने का वादा किए थे उसका क्या होगा। फिलहाल पेंडिंग रिजल्ट पर किसी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार नहीं दे रही है। हालांकि जरूर कल देर शाम को जेएसएससी ने 25% सीट जो टीजीटी वाला था 2016 का, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चिट्ठी जारी कर दिया। इसके बाद अब स्टूडेंट्स को ये उम्मीद जरूर जगी कि और भी चीजों पर जानकारी उन्हें मिल जाएगी। वहीं खबर ये आ रही है कि कल जगन्नाथ महतो बैठक में शामिल होंगे 2 बजे, और वो सबसे पहला बयान भी उन्होंने आज जारी कर दिया। पारा शिक्षकों पर वो बात करेंगे। पारा शिक्षक झारखंड में सबसे बर्निंग इशू रहा है, और पारा शिक्षकों को लेकर के झारखंड सरकार अब ये बताना चाहती है कि वो पारा शिक्षक को लेकर सबसे पहले कल्याण कोष की बात करने वाले हैं, उसके बाद उनके परमानेंट होने में क्या क्या अड़चन आएगी इस पर वो बताएंगे। ये सबके बीच में जगन्नाथ महतो ये कोशिश करेंगे कि पारा शिक्षक के अष्टमंगल कमेटी के लोग उनके साथ आए, एक बातचीत करें और उन्हें सुर से सुर मिलाकर एक साथ चलने के लिए बोले। खबर ये भी आ रही है कि जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों से अपील कर सकते हैं कि आप जो 15 अगस्त से आंदोलन का बिगुल फूके हैं उसको आप ड्रॉप आउट कीजिए और फिलहाल के लिए सरकार का साथ दीजिए। सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस नियुक्ति में पूरा सहयोग देगी आपको और परमानेंट करेगी। कब करेगी ये नहीं बताया जाएगा, लेकिन पारा शिक्षकों को अपने साथ लाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। 30 तारीख को दूसरी अहम बैठक होगी जिसमें टेट को लेकर बातचीत की जाएगी कि जेटेट का प्रारूप क्या होगा, क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा अगर चिंता देखेंगे तो बेरोजगार युवकों में टेट अभ्यर्थियों को है। ये 2 प्रकार से है, एक 2016 के जो लोग जेटेट पास करके बैठे हुए हैं उनके लिए असमंजस वाली स्थिति है कि सीधी काउंसलिंग होगी या फिर दूसरा स्टेज का एग्जाम होगा, उन्हें अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वहीं जेटेट की नई तैयारी कर रहे स्टूडेंट को लग रहा है कि 2021 का जेटेट के लिए अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर वो ठंडे बस्ते में जाएगा। इसके साथ साथ 2013 में जो लोग जेटेट पास किए हैं उनके लिए भी सरकार निर्णय ले सकती है कि क्या उनको दूसरा एग्जाम में साथ में आना है या फिर उनकी भी काउंसलिंग होगी। और अहम सवाल एक और है कि सीटेट वाले को क्या झारखंड में मौका मिल जाएगा, क्या सीटेट के जो अभ्यर्थी पास किए हुए हैं क्या उनको जेटेट के साथ या तो सेकेंड एग्जाम में शामिल होना होगा या फिर सीधे तौर पर वह लोग भी काउंसलिंग में जाएंगे, क्या प्रारूप होगा ये बताया जाएगा। तो कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो 2 बजे मुख्यमंत्री के साथ जगन्नाथ महतो भी मौजूद होंगे, शिक्षा विभाग उन्हें मिला है, और उन्होंने विभाग को ग्रहण करने के बाद पहले बयान में पारा शिक्षकों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पारा टीचर को लेकर जो दिक्कतें हैं उनसे वो रूबरू है और पारा शिक्षकों की बात को वो सामने रखेंगे, पारा शिक्षकों को वो सारा अधिकार दिलाएंगे। इसके साथ साथ जो अन्य अभ्यर्थियों का मुद्दा है जिसमें पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं,
जिसमें जो दूसरे एग्जाम जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जेएसएससी के दूसरे अभ्यर्थी हैं, एक्साइज वाले, सिविल कोर्ट वाले, कारा चालक वाले, ऐसे कई एग्जाम है, जैप वाले, सेकेंड लिस्ट का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी कुछ सरकार निर्देश दे सकती है, इंडिकेशन दे सकती है। वहीं लगभग 20 अलग अलग दल मिलकर के 8 अगस्त से 1 अगस्त क्रांति करने की पूरी मन बना चुके हैं। इसके लिए प्रतिदिन अलग अलग स्थान पर बैठक हो रही है। बैठक में ये तय किया जा रहा है कि रणनीति कैसे होगी, किस प्रकार से कहां पर कौन लीड करेगा, किस डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय पर होगा, ये कोई वहां पर सार्वजनिक स्थान पर होगा, इन चीजों की कवायद करने में लोग लगे हुए हैं। और उन्होंने उम्मीद जताया है कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में हर स्टूडेंट शामिल होगा और इसमें सभी लोगों को लेने की कोशिश भी की गई है, चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, जेएसएससी के अभ्यर्थी हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, पारसिक टीचर हो, जेटेट वाले हो, इनको एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश की गई है कि जिससे एक अच्छा मैसेज जाए कि झारखंड में स्टूडेंट बटे हुए नहीं है, बल्कि वो एक आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। इसमें वैसे लोग भी शामिल होंगे जो मूलवासी मंच के बैनर तले 1932 की खातियान की लगातार डिमांड कर रहे हैं, वो लोग भी शामिल होंगे। देखना पड़ेगा कि सरकार अब इससे कैसे निपटती है। पुरानी सरकार के समय में भी आंदोलन होते थे, सरकार उसको टैकल करती थी। नई सरकार के समय में भी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार उसे टैकल कर रही है और इसमें हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर नेतृत्वकर्ता दिशा विहीन हो जाएंगे, नेतृत्वकर्ता अगर मैनेज हो जाएंगे तो हम उसकी भी सच्चाई आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है और साथ ही साथ ये कोशिश और उम्मीद की जा रही है कि सरकार जरूर से चेतेगी और सरकार को जो निर्देश दिया जाएगा, मतलब कि सरकार के साथ समन्वय बना करके भी चला जाएगा ताकि जो डिमांड है वो पूरा हो पाए। फिलहाल झारखंड में वही क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। पीटी एग्जाम को लेकर जो सवाल था 7th जेपीएससी को लेकर, वो अगस्त महीने में होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हम पहले से ही बोल रहे हैं, आज भी हमारा स्टैंड वही रहेगा। और 10th की सर्टिफिकेट और प्लस 2 की सर्टिफिकेट वाली जो खबर थी वो सही खबर थी। और इस खबर पर आपको बता दें कि सरकार के अंदर भी अलग अलग गुट बन गया है, अलग अलग विचार हो गया है। सही लागू होना सही होगा या गलत होगा, सरकार कुछ ना कुछ सोनी कुमारी मामले को भी जरूर देख रही होगी कि एक बार सारा मामला उलझ गया तो क्या फिर से कुछ नए विवाद को सामने लाना सही है या फिर नौकरी देना ज्यादा जरूरी है, ये भी जानना पड़ेगा आप सभी लोगों को। और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।